हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रिप टू साइंस। स्टूडेंट्स, बिफोर डिस्कसिंग आवर टुडेज टॉपिक आई वुड लाइक टू डिस्कस समथिंग विथ यू। एज वी ऑल नो दैट वी ऑल आर लिविंग्स, हम सभी लिविंग बींग्स हैं। लिविंग बींग्स को लिविंग बनने के लिए कुछ बेसिक नीड्स की ज़रूरत होती है, लाइक फूड, वाटर, ऑक्सीजन एट्सेट्रा। आप सभी को पता है कि फूड और वाटर, इसके बिना आप फिर भी कुछ देर तक सर्वाइव कर सकते हो। बट व्हाट अबाउट ऑक्सीजन? क्या आप ऑक्सीजन के बिना आधा घंटे के लिए, एक दिन के लिए रह सकते हो? नहीं, एक दिन तो क्या, एक मिनट के लिए भी नहीं रह सकते। तो हमारा जो आज का टॉपिक है, दैट इज समथिंग अबाउट दिस ऑक्सीजन, दैट हाउ दिस ऑक्सीजन गेट साइकिल्ड इन द एनवायरमेंट। सो लेट्स स्टार्ट अवर टूडेज टॉपिक विच इज ऑक्सीजन साइकिल। हमारा आज का टॉपिक है ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन साइकिलिंग कैसे करता है, कैसे साइकिल करेगा? फ्रॉम एटमोसफियर टू अर्थ, फ्रॉम अर्थ टू एटमोसफियर। एटमोसफियर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ O2। अब सभी को पता है कि हमारी एयर क्या है, दैट इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड मैनी मोर। So this oxygen, which forms 21% of the air, ये जो oxygen है ये कैसे cycle होती है हमारे environment के अंदर, हमारी earth पर, आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले। Mainly दो steps हैं इसके अंदर, photosynthesis and respiration. So how this gets cycle, let's discuss it in detail. Atmospheric oxygen is 21%. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कम्पोनेंट ऑफ एयर। हमारी जो ऑक्सीजन है ये एयर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कम्पोनेंट है। इम्पॉर्टेंट कम्पोनेंट क्यों है? क्योंकि इसको हम ब्रीदिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, सांस लेने के लिए यूज़ करते हैं। द प्रोसेस दैट मेंटेन्स द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमोसफेयर इज टर्म्ड एज ऑक्सीजन साइकिल। वो प्रोसेस जो एटमोसफेयर के अंदर ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन करके रखती है, उसको कभी ख़त्म नहीं होने देती, दैट इज ऑक्सीजन साइकिल। देयर आर मेनी टू स्टेप्स ऑफ ऑक्सीजन साइकिल। फर्स्ट वन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द एटमोसफेयर, कि एटमोसफेयर के अंदर ऑक्सीजन आती कहाँ से है, ऐड कैसे होती है। फोटोसिंथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। स्टार्टिंग से ही आप लोग साइंस के अंदर पढ़ते आ रहे हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस कौन करता है? ग्रीन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस बाय ग्रीन प्लांट्स इज द ओनली सोर्स विच एड ऑक्सीजन इन टू द एटमोसफेयर। फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स क्या करते हैं? दे यूज द कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड? फ्रॉम एयर। वाटर लेते हैं कहाँ से? फ्रॉम सॉयल एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में प्रोसेस होती है। तो फोटोसिंथेसिस कैसे प्रोसेस हुई? दिस इज ए डे प्रोसेस। दीज आर कन्वर्टेड इन टू ग्लूकोज विच इज द फूड एंड ऑक्सीजन इज रिलीज। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सॉयल से वाटर लेते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में दे फॉर्म द ग्लूकोज C6H12O6 विच इज द फूड ऑफ द प्लांट एंड ऑक्सीजन इज रिलीज। ये ऑक्सीजन जो रिलीज होती है, इसको हम कहाँ यूज करते हैं? फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस। सो सेकेंड स्टेप इज कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोसफेयर। एटमोसफेयर के अंदर जो ये ऑक्सीजन बनी है, इसको हम कंज्यूम कैसे करते हैं? ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोसफेयर इज यूज्ड अप बाय द फॉलोइंग प्रोसेसेस। डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस में ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है। फर्स्ट वन इज रेस्पिरेशन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे यूज ऑक्सीजन इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। सांस लेने के लिए प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं। C6H12O6 विच इज द ग्लूकोज, हम क्या करते हैं? जो हमने फूड खाया है दैट गेट ऑक्सीडाइज। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है ना, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो जो हमने फूड खाया है उसकी ऑक्सीडेशन होती है एंड इट गेट कन्वर्टेड इंटू, या हम कह सकते हैं कि जो हमारा फूड है इसका ब्रेक डाउन होता है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है एनवायरनमेंट में, देन अगेन इसको फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट कहाँ यूज़ हुआ ऑक्सीजन? रेस्पिरेशन में।
सेकंड ऑक्सीजन और कहाँ कहाँ यूज होती है, कंबशन, कंबशन मींस बर्निंग, ड्यूरिंग कंबशन ऑफ फ्यूल्स सच एज वुड, कोल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा ऑक्सीजन इज यूज्ड। कंबशन के लिए, जलने के लिए भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। आप लकड़ी को जलाते हो, कोयले को जलाते हो, पेट्रोलियम को जलाते हो, तो उनको जलाने के लिए भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है एंड कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। जलने के बाद उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स दे आर रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। यहाँ पर भी ऑक्सीजन यूटिलाइज हुई, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होकर कहाँ जाएगी, प्लांट्स के पास। प्लांट्स ने क्या करना है, इसको फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ करना है। नेक्स्ट कहाँ यूटिलाइज होती है ऑक्सीजन, डीके एंड डीकम्पोजिशन, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके डीके और डीकम्पोजिशंस के लिए। डीकम्पोजर्स, डीकम्पोजर्स कौन से होते हैं, दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म विच डीकम्पोज द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। डीकम्पोजर दे यूटिलाइज ऑक्सीजन ड्यूरिंग डीके एंड डीकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो डीकम्पोजर्स होते हैं वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं डेड प्लांट्स और एनिमल्स की डीकम्पोजिशन के लिए। इन दिस प्रोसेस ऑल्सो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज। अब हमने पढ़ा कि रेस्पिरेशन में भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, कंबशन में भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, डीके और डीकम्पोजिशन में भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, प्लांट्स विल यूज दैट। जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो उसको यूटिलाइज करेंगे, किस लिए, फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी मैंने आपको बताया कि ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इस ऑक्सीजन को यूज़ किया जाता है आगे बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स, किसके लिए, फॉर ब्रीदिंग पर्पज़ के लिए। फिर इस ब्रीदिंग से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से ग्रीन प्लांट्स यूज़ करते हैं। तो इस तरह से साइक्लिक फॉर्म में ये प्रोसेस चलती रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड और एटमोसफेयर के अंदर ऐड होती है, फिर उसको यूटिलाइज किया जाता है, फिर से ऐड होती है, फिर यूटिलाइज किया जाता है। सो दिस इज हाउ ऑक्सीजन साइकिल इज पॉसिबल। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न अबाउट द ऑक्सीजन साइकिल। मेनली देयर आर टू प्रोसेसेस विच आर इन्वॉल्व्ड इन दिस, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स।